बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सबसे ज़्यादा सवाब मिलने वाली नेकी एहसान और बिलाशुबा तमाम कामों में नेक अंजाम वाला काम सब्र है। बेशक वो एहसान और करम जो तूने किसी के साथ किया है वो दर हकीकत तूने अपनी जान के साथ किया और उसके ज़रिए अपनी इज्जत को महफूज रखा है। बेशक जो शख्स बुराई करे उसके साथ भलाई करो और लोगों के कसूर बख्श से ढांप, क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी तारीफ की बात है और फजीलत का अंसर है। एहसान एक ज़खीरा है और करीम वो है जो इस ज़खीरे को जमा करे। जो शख्स लोगों से एहसान और नेकी करता है उसकी सब लोग तारीफ और तकरीम करते हैं। जो शख्स अपने एहसान को जतलाता है वो इसे मुकद्दर और ख़राब कर देता है। जो शख्स सरदार होकर लोगों पर इनामों कराम करता है वो बिलाशुबा अपनी सियासत और सरदारी का हक अदा करता है। जो शख्स अपने एहसान को जो वो लोगों के साथ पहले किया करता था जब इसे रोक देता है तो अल्लाह ताला इसके फरागी और कुदरत को जायल कर देता है। जो शख्स लोगों के साथ एहसान और नेकी के साथ बर्ताव नहीं करता, लोग इसके शुक्रगुजार नहीं होते। जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद इनके शर से भी सलामत नहीं रहता। जो शख्स अपने एहसान को जितलाता है वो गोया एहसान नहीं करता। जो शख्स अपने मोहसन के एहसान को छुपाता है वो महरूमी की सजा पाता है। और जो शख्स बावजूद कुदरत के लोगों के साथ एहसान नहीं करता उसकी कुदरत और ताकत स्लेब और जायल हो जाती है। जो शख्स लोगों के साथ एहसान करता है वो लोगों से तारीफ की खलक पाता है और जो लोगों के साथ बुराई करता है वो अपने किए का बुरा फल पाता है। जो शख्स एहसान और नेकोई का कुफरान और नाशुक्री करता है वो अपने आप को कता तलक का मुस्तहक बनाता है। एहसान गनीमत है और कनात एक बड़ी नेमत है। एहसान जतलाना और मिन्नत रखना नेकोई को बर्बाद करते हैं। एहसान एक बुलंद पाया, एहसान और तौफीक खुदाए रहीम की अनायत है। जो शख्स लोगों के साथ एहसान करता है उसके कामों का अंजाम नेक हो जाता है और उसके लिए राहें आसान हो जाती हैं। जो शख्स लोगों के साथ फजल और एहसान करता है लोग इसकी सरदारी के शुक्रगुजार होते हैं और जो इनके साथ नेकी करता है सब इसकी आदत के सनाखा रहते हैं। एहसान एक ऐसा